दोस्तों, मैं हूं राजशिवम और आप देख रहे हैं राजशिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं यूपीएसआई में रीजनिंग से आने वाले कुछ क्वेश्चंस, जिनका संग्रह मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैं कोशिश करूंगा और भी अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने की और भी अच्छी करने की। तो वीडियो कैसी लगी इस बात को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि किसी संख्या यानी कि संख्या 432 नीम पत्तियों में कितनी बार दिखाई देती है, ठीक है ना। ये नीचे लिखे गए हैं इनमें से ये संख्या, ठीक है। चलिए इनको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए, मैं रेड वाला ले लीजिए। लिखा गया है कि संख्या 432, ये है संख्या, ठीक है ना। संख्या 432 ठीक है ना, संख्या 432 निम्न पंक्तियों में कितनी बार दिखाई देती है। तो ये पंक्तियां हैं, इनमें से हम चले इनको देखते हैं। सबसे पहले इसे सीधा सीधा करके इसे देखते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे देखेंगे। आप जैसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी अगर चाहें तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिल गया 432, एक यहाँ पे लिखा गया है, इसमें एक और मिला 432, और कहीं है आप यहाँ पे 432, तीन तो मिल गए। एक यहाँ पे भी लिखा गया है 432, और एक यहाँ पे भी है 432, ठीक है। ये 431 हो गया, उसके बाद 432 और भी कहीं दिख रहा है तो बताइए। एक ये हो गया 432, ठीक है ना। यानी टोटल कितने मिले, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यानी इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, रामाया के पास 52 गोलियां हैं। रामाया कोई होगा, उसके पास कितनी गोलियां हैं, 52 गोलियां। यदि जननी के पास 9 गोलियां और होती तो उसके पास रामाया के गोलियों की आधी गोलियां होती। यानी रामाया के पास कितनी गोलियां हैं, 52, ठीक है। और अगर जननी के पास 9 गोलियां और होती तो रामाया के पास जितनी गोलियां उसकी आधी होती। ये बताइए जननी के पास अभी कितनी गोलियां हैं। तो 52 गोलियां रामाया के पास हैं, तो 52 गोलियां इसका आधा, अगर 9 होती तो इसका आधा होता। यानी जननी के पास 9 गोलियां और होता तो 52 का आधा कितना होगा, 52 में 2 का अगर आप भाग देते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 26। यानी कि 26 गोलियां इसके पास होती, कब, जब इसके पास 9 गोलियां और होती। तो 26 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ गया, 17। यानी वर्तमान में उसके पास 17 गोलियां हैं, 9 गोलियां और हो जाती तो उसके पास 26 गोलियां हो जाती, जो कि रामाया के पास जितनी गोलियां उसकी आधी होती। तो वर्तमान में उसके पास 17 गोलियां, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें का, सी वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं। कितनी बत्तखें, यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तखें हैं और एक बत्तख के पीछे, मतलब एक यहाँ पे बत्तख है, एक बत्तख और इसके आगे भी 2 बत्तख हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं इसके आगे 2 बत्तख हैं, इसके आगे 1 और 2 बत्तख हैं, और क्या लिखा गया है, और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख। तो ये इसको एक बत्तख मान लेते हैं, इसके पीछे भी 2 बत्तख, और क्या लिखा गया, 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख हो। यानी एक ये बत्तख, एक ये बत्तख और इसके बीच में एक और बत्तख हो, ठीक है। यानी कि इससे कंफर्म हो जा रहा है, इस वाली लाइन से पूरा कंफर्म हम हो जा रहे हैं कि हमारे पास जो बत्तखें होंगी वो कितना अगर होंगी तो फॉर्मेशन सही बन जाएगा, तो वो बत्तखें 3 ही रहेंगी, ठीक है। अगर 3 बत्तख होंगी तो हमारे पास अच्छा फॉर्मेशन बनेगा। यानी कि एक बत्तख के आगे कम से कम 2 बत्तख हो, एक बत्तख के पीछे कम से कम 2 बत्तख हो, और एक बत्तख यानी जो कि 2 बत्तखों के बीच में होगा। यानी 3 बत्तख होंगे तो ये काम चल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ सकते होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे शो हो रहा है वो, अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में HIGH हाई को H978 लिखा जाता है तो DEAF डीफ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। हाई HIGH, आपको पता है कि H इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसमें ये आठवें स्थान पे एट आता है, आठवें स्थान पे एच आता है। आई जो होता है वो नौवें स्थान पे होता है, जी होता है सेवन, और एच होता है आठवें स्थान पे। तो यानी कि आठ नौ सात आठ जो लिखा गया यहाँ पे, ये इनके अल्फाबेटिकल नंबर के बेस पे लिखा गया, यानी कि वैसे हमको DEF को भी लिखना है। तो डी जो होगा वो हमारे चौथे स्थान पे है, ई हमारा है पांचवें स्थान पे, ए है पहले स्थान पर, और एफ है सिक्स स्थान पे यानी छठवें, यानी कि चार पांच एक छह अगर किसी ऑप्शन में है तो वो सही है। ऑप्शन कौन सा है? ABC, सी वाला सही है इसमें। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि KINDLE कैंडल को एक कूट भाषा में ELDNI के लिखा जाता है, ओके, तो उस कूट भाषा में एग्जोटिक को क्या लिखा जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है KINDLE। ठीक है, इसी को उल्टा करके यहाँ पे लिखा गया, यानी कि ये जो ई है इसको यहाँ पे लिखा जा गया, उसके बाद एल को लिखा गया, फिर डी को, फिर एन को, फिर आई को, और फिर के को। तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी उल्टा कर दीजिए, सी को पहले लिखिए, ठीक है, उसके बाद आई, फिर टी ओ एक्स ई, यानी इसमें CI, सी के बाद आई, ये वाला CITOXE, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद दो और क्वेश्चन है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं लिखा गया अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो एक बात तो इसमें कॉमन लिखी गई है, क्या कि जो क्यू है उसके साथ यू आएगा, आया ही आया, वो तो कभी भी किसी भी मीनिंग में आता है, क्यू के साथ यू आता है, तो क्यू यू तो सबके पास है। उसके बाद तीसरे स्थान पे पहुंचते हैं, तीसरे स्थान पे क्या लिखा गया अल्फाबेट में, पहला है ए, तो यहां पे ए लिखा गया, यानी कि ये पहला स्थान पे होगा। ठीक है, उसके बाद ए के बाद ई आएगा, तो ये होगा दूसरा स्थान पे, यहां से कंफर्म हो जा रहा है। उसके बाद ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो ई, जैसे ए पहला स्थान पे, ई पांचवें स्थान पे, वैसे आई जो होगा वो नौवें स्थान पे, तो इसमें जो नौवें स्थान वाला होगा ये दो है लिखा गया। ठीक है, उसके बाद तब चौथे पे बढ़ जाएंगे, यानी कि इन्हीं दोनों में से, ये दोनों तो कट गए, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो चौथे पे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीसरा स्थान वाला सी लिखा गया, और यहाँ पे जो टी लिखा गया 20वें स्थान वाला टी लिखा गया है, यानी कि पहला स्थान ये होगा, दूसरा इसका होगा, और तीसरे शब्द को उसमें ये नाम होगा, यानी चौथे स्थान पे ये लिखा जाएगा। तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पे होगा? ये क्वाइट वाला, यानी इसका ऑप्शन जो है डी वाला सी होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, हरी आयु में चमन से बड़ा है, आयु में, आयु की बात हो रही है, यानी चमन से बड़ा कौन है? हरी, हरी आयु में चमन से बड़ा है, ओके। विजय सतीश से बड़ा है, ये विजय जो है ये सतीश से बड़ा है, मुकेश जो है वो विजय के बराबर बड़ा नहीं है, यानी कि विजय से मुकेश जो है वो छोटा है, समझ में आ रहा है? मुकेश जो है वो विजय के बराबर बड़ा नहीं है, यानी कि विजय से वो छोटा है, किंतु चमन से बड़ा है, लेकिन ये चमन से विजय जो है वो क्या है? बड़ा है। और पूछ क्या रहा है? सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं, सबसे छोटा पूछ रहा है, और सतीश जो है वो चमन के बराबर बड़ा नहीं है, यानी कि चमन से जो सतीश है, ठीक है ना, वो छोटा है, चमन से छोटा है, यानी चमन जो है सतीश से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? देखिए, हरी बड़ा है किससे? चमन से, तो कंफर्म हो गया कि हरी का इसमें नाम नहीं आएगा। उसके बाद क्या लिखा गया है कि विजय सतीश से बड़ा है, तो विजय का भी इसमें कोई नाम नहीं आना चाहिए। मुकेश
विजय के बराबर बड़ा नहीं है किंतु चमन से बराबर बड़ा है। तो इसमें मुकेश और विजय का तो पूरा नाम हट जाएगा, ठीक है। और सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है, यानी कि जो चमन है ठीक है वो बड़ा है, सतीश छोटा है, तो इसमें चमन का भी नाम काट दीजिए। यानी कि हरी चमन विजय ठीक है सतीश मुकेश ये सभी लोग एक दूसरे के प्रतिकूल अनुकूल हैं, ठीक है ना, बड़े छोटे हैं, समझ में आ रहा है, एक दूसरे के बड़े छोटे हैं। लेकिन इसमें जो ये बात आ रही है सतीश वाला, ठीक है, ये लिखा जा रहा है कि चमन के बराबर बड़ा नहीं है, यानी कि चमन से सतीश छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, सतीश। तो इसमें ऑप्शन जो डी वाला है वो सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही की, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा और भी अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज के लिए बस इतने ही, और बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाया करें। थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।